1932 में इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला और वो हारे थे इंग्लैंड के खिलाफ. 20 इयर्स लेटर इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट मैच. बट लगता है कि बहुत टाइम गया, 20 इयर्स बहुत लगता है. एंड इट वाज नो सरप्राइज टू सी दैट द वन मैन हु वाज द हीरो ऑफ दैट विन वाज विनु मंकड. बिशन सिंह बेदी को अपने बाएं जेब में डालते विनु मंकड, यानी इतने वो बिशन सिंह बेदी से बेहतर लेफ्ट आर्म स्पिनर थे. इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला और वो हारे थे इंग्लैंड के खिलाफ. लेकिन भारत की पहली जीत दैट हैपेंड इन 1952, यानी 20 इयर्स लेटर इंडिया वन इट्स फर्स्ट एवर टेस्ट मैच. बट लगता है कि बहुत टाइम गया, 20 इयर्स बहुत लगता है. लेकिन खेले थे केवल 24 टेस्ट मैचेस. So it took India 24 test matches. From memory, I think it took New Zealand about 40-45 test matches for them to win their first test match. So India wasn't too bad. And where did they win their first ever test match? In Chennai versus England. So after the Chepauk loss, you know, I mean, when you look at Chepauk, there's so much history around it that India's first ever win came in Chepauk. And it was no surprise to see that the one man who was the hero of that win was Vinu Mankad. He got 12 wickets in that match. And Vinu Mankad ki ek khasiyat hai jo unke saath khele hai. He came from a very poor background, came to Mumbai, and Mumbai sort of embraced his talent. Vasu Parang pe karke ek cricket ke stalwart hai jo bahut saalon se cricket dekhte hain aur achhi tarah se dekhte hain, koi bias ke saath hai, aur bahut intelligent cricketing observer the. Unko humne pucha tha ki Vinu Mankad ke bare mein kuch bataye. कि हाउ गुड वॉज ही. एंड एट दैट टाइम बिशन सिंह बेदी वॉज द ग्रेट लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑफ इंडिया. द वर्ल्ड सॉर्ट ऑफ रूल्ड ओवर बिशन सिंह बेदी. एंड ही सेड, आई विल नेवर फॉरगेट, ही सेड इन मराठी, अरे बिशन सिंह बेदी विनू मंकड़च्या समोर डाव्या खिशात रे, डाव्या खिशात. विच वॉज एक्चुअली हिंदी में अगर आपको पता है कि अगर विनू मंकड़ और बिशन सिंह बेदी का कंपेरिजन कीजिए तो बिशन सिंह बेदी को अपने बाएं जेब में डालते विनू मंकड़, यानी इतने वो बिशन सिंह बेदी से बेहतर लेफ्ट आर्म स्पिनर थे. और ये ना भूले कि ये ऐसा प्लेयर है जिसने 200 रन भी बनाए इंग्लैंड में. सो ही वॉज एन ऑलराउंडर बट ही कुड बोल बेटर देन बिशन सिंह बेदी. सो सम ऑफ दीज टैलेंट्स दैट प्लेड इन द इयर्स दैट there's no record of, no coverage, but only stories that come down from the ages that just tells you how great these guys were. And Vinu Mankad must have been some talent.